जनपद मुरादाबाद में वैक्सीनेशन को लेकर बड़े स्तर पर काम किया जा रहा है, जहां शहरी इलाकों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर वैक्सीनेशन को लेकर भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, तो वहीं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, नगर पंचायत या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोग पहुंचकर टीकाकरण करवा रहे हैं। कुंदर के नगर पंचायत के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर मंगलवार को वैक्सीनेशन में काफी उत्साह लोगों में देखा गया। भारी संख्या में लोगों ने पहुंचकर वैक्सीनेशन कराया और सभी को जागरूकता के संदेश भी दिए। इस दौरान सामाजिक संस्थाओं द्वारा भी वैक्सीनेशन कराने आए सभी लोगों को सुरक्षा संबंधित बातें भी बताई गईं और साथ ही मास्क के साथ पानी की बोतलें भी वितरित की गईं, जिससे सभी लोगों ने इस कार्य को खूब सराहा। संस्था द्वारा बताया गया कि हमारा उद्देश्य यही है कि हमारा देश, प्रदेश और शहर कोरोना वायरस से मुक्त हो और सभी लोग सुरक्षित रहें। सिटी चैनल संवाददाता से बात करते हुए नीरज कुमार ने बताया। जी, मेरा नाम धीरज सिंह है, मैं हेल्पेज इंडिया से हूँ, जो डिस्ट्रिक्ट में पूरा रामपुर मुरादाबाद देख रहा हूँ, जिसमें से हम लोग वैक्सीनेशन सेंटर में गवर्नमेंट के साथ एक सहयोगी के रूप में काम कर रहे हैं, जिसमें जो भी बेनिफिशरीज आ रहे हैं, जो भी लोग वैक्सीन लगवाने आ रहे हैं, उनको हम एक N95 मास्क, पैरासीटामोल टेबलेट डोलो और उसके बाद पानी की बॉटल, और लोगों को घर घर जा कर के लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि वैक्सीन लगवाने के लिए। और अभी तक हम लोग लगभग 50,000 लोगों को ये सुविधा प्रदान कर चुके हैं। हेल्पेज इंडिया एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो 1978 से इंडिया में वर्क कर रहा है, इसके अभी CEO रोहित प्रसाद जी हैं, जो हमारे वो दिल्ली में बैठते हैं, हेड ऑफिस हमारा दिल्ली है, और हमारी यहाँ पे हेल्थ सर्विस जो चल रही फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही हैं, जिसमें 4 यूनिट हमारी चल रही हैं मुरादाबाद में, जैसे कुंदरकी में 4 यूनिट चल रही हैं, गाँव में जा कर के हमारी हेल्थ टीम सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन, मेडिकल कंसल्टेशन, उनकी जांचें सभी फ्री में दे रहे हैं। कितने लोगों तक लगा चुके हैं? अभी तक हम 50,000 लोगों को वैक्सीनेशन करवा चुके हैं। मुंडा पांडे, मुरादाबाद। कुंदरकी नगर पंचायत पहुंचे सभासद इलियास ने बताया कि पूरे क्षेत्र में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और यह संदेश दिया जा रहा है कि आप वैक्सीनेशन अवश्य कराएं, जिसमें सभी लोग जागरूक भी हो रहे हैं और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचकर वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। कुंदरकी नगर में जो है लोगों की सुविधाओं को, क्योंकि रजिस्ट्रेशन जो आम लोग हैं वो रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पा रहे हैं, इसीलिए यहाँ बाट के और कुंदरकी नगर के लोगों की सुविधा के लिए यहाँ कैंप लगवाया गया है। वैक्सीनेशन यहाँ पर हो रहा है, बड़ी तादाद में लोग जो है वो काफ़ी वैक्सीनेशन कराने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। यह हमारे वरिष्ठ समाजसेवी हैं और उनके आवास में ये कैंप लगाया गया है और लगभग सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ कैंप लगवा रहे हैं। हेल्पेज के जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ पहुँचे हैं और लोगों को पानी की बोतल, मास्क ये मुहैया करा रहे हैं। फिलहाल बिना रजिस्ट्रेशन के यहाँ पर कैंप लगाया गया है। जो स्वास्थ्य कर्मी हैं वो काफ़ी मेहनत के साथ यहाँ काम कर रहे हैं और बड़ी तादाद में, और मैं और लोगों से भी अपील करूंगा कि बड़ी तादाद में लोग यहाँ आएँ और वैक्सीनेशन लगवाएं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी यही प्रयास है कि वो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन कराना बहुत अति आवश्यक है। तो आप लोगों से मेरी फिर एक बार अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ आएँ और वैक्सीनेशन कराएँ।